नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ग्रेनाइट काउंटर टॉप के डिजाइन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो भी डिजाइन है वो लेटेस्ट डिजाइन के साथ है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई काउंटर टॉप के रिगार्डिंग कोई सवाल है या आपको कोई डिजाइन पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जैसे कि हमारे इंडियन किचन्स में जो है ज़्यादातर ग्रेनाइट काउंटरटॉप्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो ग्रेनाइट जो है वो 100% नेचुरल स्टोन है। इसकी वजह से उसकी मजबूती भी जो है वो ज़्यादा हार्ड रहती है और हीट रेजिस्टेंट है। मेनली यदि आप उसके ऊपर कोई गर्म बर्तन रखोगे तो उस पर क्रैक आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। और जो भी हम कुकिंग करते वक्त अगर कोई दाग धब्बे अगर स्टोन पे गिर भी जाए तो आप उसको आसानी से साफ कर सकते हो। स्टेन रेसिस्टेंट है और ग्रेनाइट की जो है आपको कलर्स में भी कई सारे ऑप्शंस देखने मिलेगी, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, वाइट, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और जो हमारे ज़्यादातर इंडियन किचन्स में है वो ज़्यादातर ब्लैक पत्थर यूज होती है, क्योंकि उसके ऊपर अगर कुछ दाग धब्बे लग भी जाए तो वो ज़्यादा दिखती नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लैक कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो जो है ग्रेनाइट जो है आपके बजट में भी बैठेगी। ये 180 रुपये से लेके 800 रुपये तक पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाती है। ये डिपेंड होता है कि आप कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो। तो अगर थोड़ी अच्छी आपको चाहिए तो आप 220 रुपये से लेके 250 रुपये तक जो आती है पत्थर वो लेना आपके घर के लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और आपके बजट में भी बैठेगी। तो फ्रेंड, जब भी आप काउंटर टॉप लगाते हो आपके घर के लिए तो आप ऐसा करना कि आप खुद जाके पहले काउंटर टॉप परचेस करना। कोई कोई क्या होता है जैसे कि हम कई बार ये होता है, हम ठेकेदारों को ही बोलते हैं कि आप पत्थर ला के आप विथ मटेरियल सब हम उन्हीं को देते ठेका कि आप ही लगवा दीजिए और आप ही परचेस कीजिए जो भी है काउंटर टॉप। तो उसमें क्या होता है, ठेकेदार कई बार हमको मूर्ख बनाते हैं, जैसे कि वो सस्ता क्वालिटी का लेके आते काउंटर टॉप और आपसे प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। फिर बाद में उसको लगाने के बाद जैसे धीरे धीरे हम उसको इस्तेमाल करना चालू हो जाता है तो उस पर क्रैक आना, दाग धब्बे, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो लो क्वालिटी के लेके आते हैं उन लोग। तो इसके लिए जब भी आप काउंटर टॉप का कुछ भी कराते हो काम, तो आप खुद जाके परचेस करना। उससे ये होगा कि आपको सस्ते में भी मिलेंगे प्लस अच्छी क्वालिटी के भी आप लेके आ सकते हो, और आपको आइडिया भी मिलेगा कि काउंटर टॉप के क्या रेट चल रहे क्या है, और आपके कलर के डिजाइंस जो है आपके हिसाब से आप लेके आ सकते हो। जब भी मार्केट में जाओगे तो आपको कई सारे कलर्स के ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो। तो यदि आपको इसमें कोई डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको दिखा के आप दुकानदार को परचेस कर सकते हो। तो ये क्या वीडियो आपको हेल्प करेगी काउंटर टॉप सिलेक्ट करने के लिए। तो आप जब भी काउंटर टॉप लेते हो तो आप खुद परचेस करना, फिर बाद में जो ठेकेदार है उसको बोलना सिर्फ आप लेबर दीजिए मुझे, तो लेबर का जो भी चार्जेस होता है वही आपसे वो कोट करेंगे। ग्रेनाइट की जो थिकनेस जो आती है वो 6.5 mm तक आपको मिल जाएगी। इसकी मजबूती बहुत अच्छी रहती है, हार्डनेस जो है उसकी ज्यादा होती है। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जैसे कि आपको पता है किचन में काउंटर टॉप्स के कई सारे पत्थर आते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, ये जो ज़्यादातर तीनों ज़्यादा चलते का किचन्स में, लेकिन जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो ग्रेनाइट प्रेफर करते हैं। और मेरा भी यही बोलना है कि आप ग्रेनाइट के साथ जाइए, क्योंकि ये आपको बजट में भी बैठेगी। सेकंड, ये नेचुरल स्टोन है तो इसकी मजबूती भी बहुत हार्ड रहती है। तीसरा जो है हीट रेजिस्टेंट है, तो इस पर अगर यदि आप कुछ गर्म चीज़ रखोगे तो भी उस पर कोई क्रैक आने के चांसेस कहीं ज़्यादा कम है। बाकी जो पत्थर है जैसे कि मार्बल, उस पर क्रैक आने के थोड़े ज़्यादा चांस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको बजट में अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था 220 से लेकर 250 रुपए के बीच में आपको अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंटीरियर से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, जैसे कि लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और कई सारे इंटीरियर से संबंधित।
तो फ्रेंड्स यदि हम इसकी रेट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको 220 से लेकर अगर 250 रुपये, चलो अगर हम 250 रुपये का भी लेते हैं पर स्क्वायर फीट, तो अगर यदि आपको काउंटर टॉप 7x5 का आपके घर पे बिठाना है तो 7x5 जो हो गया 35 स्क्वायर फीट हो गए, 35 इंटू अगर हम 250 वाला पकड़ेंगे पर स्क्वायर फीट, तो ये आपका जाता है लगभग 8750, मतलब 9000 तक आपको ये अच्छी से अच्छी पत्थर मिल जाएगी। और प्लस जो लेबर चार्जेस होंगे, जो उसमें एडेसिव जो केमिकल लगाते हैं जो काउंटर टॉप बिठाने के लिए, वो सब पकड़ के आपको 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा होगा। तो मतलब ये आपको 11 हज़ार के आसपास पूरा काउंटर टॉप लग जाएगी आपके 7x5 की। वही अगर आप ठेकेदार को दोगे तो फिर वो पत्थर आपका जो है वो 8-9 हज़ार का लेके आएंगे, लेकिन जो है वो क्वालिटी उसकी बहुत गंदी रहेगी, जो 120-130 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली लेके आएंगे। आप खुद जाके लेके आते हो तो आप अच्छी क्वालिटी के ला सकते हो और आपके बजट में भी होगी, और प्लस आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कलर देखने के लिए। तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।